अधीक्षक हैं, पुलिस कप्तान, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए कि इसमें हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी एवं तेज प्रताप जी का, स्वास्थ्य पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जी का कहीं नाम नहीं है और सब जो अपराध करने वाले अपराधी गिरफ्त में आ गए हैं उन्होंने भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा है कि कोई कनेक्शन ही नहीं है उनसे इनका, उनको तो जबरदस्ती बदनाम करने, ये साजिश किया गया भाजपा जदयू के द्वारा इनके छवि को, इनके चरित्र को बदनाम किया जाए। और अब तो हमारे नेता ने मांग कर रहा है कि सीबीआई से जांच करवा लिया जाए, जो दूध का दूध पानी का पानी होगा तो फैसला हो जाएगा, बता देंगे, क्योंकि इसमें इनका चरित्र को बर्बाद करने का पूरा प्रयास किया भाजपा जदयू के लोगों ने। पूर्व में अभी एक सिंबल हमारे पार्टी से मिला है, आदरणीय विधायक जो है अभी वर्तमान विधायक पीरपैंती के हैं, श्री रामविलास पासवान जी, उनका आज भी घर जो है ना, हम उनके घर पे गए थे तो उनका घर इंदिरा आवास का है। ऐसे लोग कहाँ से पैसा देंगे, स्पष्ट है, एक पैसा भी हमारी पार्टी में कहीं से कुछ नहीं है। लोग उनको झूठा बदनाम कर रहे हैं, इसलिए पूरा किसान, पूरा जनता ठान लिया है इस बार युवा सरकार, तेजस्वी सरकार बनाएंगे। भागलपुर जिला में पूरा बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर की सारे कमेटियां बन गई है और सारे लोग मजबूती से लग चुके हैं। इस बार भागलपुर में हम लोग सातों विधानसभा पर महागठबंधन का जीत निश्चित होगी। क्या मुद्दा? और उसके बाद जो है सात निश्चय योजना में पूरा लूट मचा हुआ है, कोई भी नल में पानी नहीं है भागलपुर में और पूरा उसका लूट मचा हुआ है। जो टंकी बना हुआ है वो गिर रहा है, नल में पानी नहीं है। उसके बाद आज बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज यहाँ तक जो हमारी माँ बहन जो घर से निकलती है शाम को सही सलामत लौटेगी कि बलात्कार के शिकार हो जाएंगे बिहार में, ऐसी घटना, जंगल राज की संज्ञा दिया गया था, ये तो राक्षस राज है, ये राक्षस राज में रोटी के साथ हाथ भी जल जाता है। ये लोग सारे स्वार्थ से आदरणीय नेता मनसा तक हम मुख्यमंत्री बने, उनको 25 सीट मिल गया भारतीय जनता पार्टी में, ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे उनके साथ। और आप देखें कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ सारा सुनियोजित ढंग से वहाँ अपने लोगों को पहले से रखा हुआ था वो, और उनको बेइज्जती करना था, पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम 100% बिहार का विकास तेजस्वी जी करेंगे, जैसे जिस दिन सरकार बनेगी उनके कलम से पहला 10 लाख युवाओं को रोजगार का जो वादा उन्होंने किया है संपूर्णतः कंप्लीट रूप से पूरा करेगा। राजद जो है पटना महानगर उपाध्यक्ष के नाते मैं ऐसी मजबूती देख रहा हूँ बिहार में कि मैं तो पूरी मजबूती पटना महानगर राजद में काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और अन्य क्षेत्र में भी मैंने दौरा किया था अभी, तो वहाँ भी जो तेजस्वी जी के नाम से जो है पूरा युवा, पूरा प्रदेश का जो व्यक्ति है, एक एक व्यक्ति, मैं उनसे बात भी किया पूरे जिले में जाके, मैं नगर में गया, मैंने गांव में गया, प्रखंड में गए, वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि हाँ हमारी राजद बहुत मजबूती से इस बार चुनाव मैदान में आई है और ये जीत पक्की है। गठबंधन का ये जो हम लोगों का सीट बंटवारे का जो चल रहा है इस पे जो तय होकर जो सीट बंटवारे हुई है इनमें कार्यकर्ता कहीं से निराश नहीं है, कार्यकर्ता जो है आज भी खुशी से उल्लास से काम करने में लगी हुई पटना महानगर में, और ये जीत जो है निश्चित है पट्टन साहब से। आने का कोई इस बार रीजन नहीं है, युवा खुद जानकारी ले चुकी है कि हमारे 15 साल के राज में प्रदेश का क्या विकास हुआ और कैसे पलायन करके युवा जो है अदर स्टेट से अपने स्टेट में आए हैं, क्या उसने परेशानियां झेली हुई है, उनको सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। और आजकल 4G का ज़माना है, 15 साल पहले 2G था, इसके बाद जब 5 साल उनकी सरकार और रही NDA की तो फिर 3G आया, अब तो 4G का ज़माना है। हर एक युवा के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब हर एक लोग देखते हैं, सबको नॉलेज है कि इसको बनाना चाहिए किसको। उन्होंने अगर मान के लिए ये विपक्ष जो लगा रही है हम लोगों पे आलछन जो लगा रही है, तो 5 साल पहले उनका जो है क्या था और 15 साल बाद क्या था, ये तो सबके सामने है, प्रत्यक्ष रूप में है कि ग्रोथ रेट कितना बढ़ गया अपराध का,
कितना व्यापारी यहाँ से पलायन कर गए, कितने बेरोजगार हो गए, कितने लोग भूख से मर गए, कितने कोरोना में मर गए, कितने बाढ़ से अभी भी मर रहे हैं, ये तो खुद वो जान रही है।